पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता भारत नेपाल में देश को स्वर्ण पदक दिलवाने वाली चैनपुर की बेटी दिव्यांग असुंता टोप्पो लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल परिस्थितियों में हार मान जाते हैं। खेल के प्रति प्यार और कुछ कर दिखाने का जुनून लेकर चलने वाली असुंता टोप्पो का चयन पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में हुआ। इस प्रतियोगिता में देश ने स्वर्ण पदक हासिल किया। असुंता के भारतीय टीम में सिलेक्शन होने से उनके गांव प्रखंड व पूरे जिला में खुशी की लहर है। असुंता का जीवन काफी संघर्षमय रहा है। बचपन में ही असुंता के सर से माँ बाप का साया उठ गया था। माता स्व कैटरीना टोप्पो व पिता स्व जेवियर टोप्पो के मृत्यु के बाद काफी आर्थिक तंगी से झेलनी पड़ी। थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन की आमदनी और विकलांग पेंशन से अपना गुजारा करने वाली असुंता ने जैसे तैसे कर बीए तक की पढ़ाई की, पर पैसे की कमी और बिना किसी सहारे के बीएड करने के सपने को मन में ही मारना पड़ा। पर उसका खेल के प्रति बचपन से ही बहुत जुनून था। इस जुनून तो तब उड़ान मिली जब असुंता की मुलाकात उनके कोच मुकेश कंचन से हुई। मुकेश कंचन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के व्यवस्थापक भी हैं। कोच मुकेश कंचन के साथ प्रत्येक सप्ताह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रांची के मोराबादी स्टेडियम में अभ्यास करने के बाद असुंता घर पर भी अपना अभ्यास करती थी। ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है कि मेरे ही गांव की असुंता टोप्पो जो पारा थ्रो बॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त की है, जबकि असुंता टोप्पो एक दिव्यांग लड़की है और उसको दिव्यांग पेंशन पैसा से उन्होंने आईए बीए और एमए की पढ़ाई की और अथक प्रयास के बाद में उनका जुनून जज्बा ने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है और इसके लिए मैं उनको सलाम भी करता हूं और उन्हें आने वाला आगे की पढ़ाई के साथ साथ में खेल के लिए उन्हें मैं बधाई देता हूं ताकि वो दिनों दिन आगे बढ़ती रहे। इस जगह पहुंचने के लिए उन्हें स्थानीय विधायक के द्वारा मदद किए जाने की बात कही गई है, क्या सच्चाई है? ये असुंता टोप्पो का स्थानीय विधायक माननीय भूषण तिर्की ने भी आर्थिक रूप से उन्हें मदद की है और असुंता टोप्पो ने भी उन्हें उनके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद दी। विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से विधायक जी हमारे गुमला विधानसभा से जितने भी खिलाड़ीगण बाहर जाते हैं उनको समय समय पर मदद करते हैं, आने वाला समय में भी माननीय विधायक जी मदद करें ताकि इस क्षेत्र के जनजातीय महिलाएं या युवक आगे बढ़ते जाए खेल के क्षेत्र में। क्या शुभनाम हो? सुशील दीपक मिंज, जेएमएम जिला उपाध्यक्ष। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।